हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केएनपी एनालिसिस में। आज हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन पढ़ने वाले हैं। प्लेटो का एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में क्या मानना था, उस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है उसे डिस्कस कर चुके हैं। थ्योरी ऑफ जस्टिस का लास्ट पार्ट जहाँ छोड़ा था वहाँ हमने एक चीज देखी थी कि थ्योरी ऑफ जस्टिस में जो प्लेटो है वो फिलोसोफर किंग की बात करता है, यानी कि वो मानता है कि जो फिलोसोफर किंग है उनको रूल करना चाहिए, यानी कि फिलोसोफर किंग को स्टेट में रूल करना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कल की थ्योरी ऑफ जस्टिस में, मैंने बोला था कि इसे थ्योरी ऑफ एजुकेशन में करेंगे, कि फिलोसोफर किंग जो है वो कैसे डेवलप होंगे, यानी कैसे हमें पता पड़ेगा कि ये बंदा फिलोसोफर किंग है ये फिलोसोफर किंग नहीं है। ये तीन चीज के लिए कल मैंने आपसे कॉम्बिनेशन भी बोला था कि इन तीन चीजों को उसके ट्रेड्स पे, डोमिनेंट ट्रेड्स पे डिवाइड किया जाएगा। तो जो हमने पहला ट्रेड की बात की थी वो डिजायर था, फिर जो हमने दूसरे ट्रेड की बात की थी वो इमोशन था, दूसरे ट्रेड की बात की थी वो इमोशन था, और लास्ट ट्रेड की जो हमने बात की थी वो नॉलेज था, यानी कि डिजायर, इमोशन, नॉलेज। यहाँ पे हमने देखा था कि जिसके पास डिजायर होगी वो ट्रेड वगैरह जैसे फील्ड में जाएगा, जिसके पास इमोशंस होंगे, करेज होगा, वो सोल्जर या ऑक्सिलरीज में जाएगा, यानी कि सैनिक बनेगा, और जिसके पास नॉलेज होगी वो फिलोसोफर किंग बनेगा। ये चीज हमने देखी थी। लेकिन अब आप ये डिसाइड कैसे करोगे कि नॉलेज किसके पास है? तो इसी को डिसाइड करने के लिए किसके पास कौन सी वाली नॉलेज है, किसके पास ये जो ट्रेड है ये सबसे ज्यादा है, नॉलेज वाला ट्रेड सबसे ज्यादा है, इसी को डिसाइड करने के लिए प्लेटो ने अपनी थ्योरी ऑफ एजुकेशन दी है, जिसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरी ऑफ एजुकेशन यानी कि इससे एक चीज पता पड़ती है, पता लगती है कि इन्होंने एजुकेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना है। इन्होंने एजुकेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना है। इन्होंने एजुकेशन को इंपोर्टेंट क्यों माना वो भी मैं बता देता हूं एक बार। ये अपने एक पास के स्टेट स्पार्टा, दो स्टेट थे वहां पे, एक एथेंस और एक स्पार्टा। तो ये एथेंस और स्पार्टा के अगर मैं बात करूं, दो स्टेट थे एथेंस और स्पार्टा, तो ये स्पार्टा जो है इससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। स्पार्टा में क्या होता था, जो एजुकेशन थी यानी कि जो शिक्षा थी वो स्टेट द्वारा प्रोवाइड की जाती थी, वो स्टेट द्वारा प्रोवाइड कराई जाती थी, सबके लिए कंपलसरी एजुकेशन थी, सबके लिए कंपलसरी एजुकेशन थी। इसमें आपको मिलिट्री एजुकेशन भी मिलती थी, मिलिट्री एजुकेशन भी जो स्टेट है वो देता था, कंपलसरी मिलिट्री एजुकेशन थी, इंक्लूडिंग वुमेन, इंक्लूडिंग वुमेन। ठीक है, ये तीन चार चीजें थी। और इसने देखा था कि जो स्पार्टा है वहां पे जो रूल भी था वो पढ़े लिखे लोगों का, यानी कि रीजनेबल नॉलेजेबल पर्सन्स का था। तो यहां से इसने ये चीज नोट की थी कि जो पर्सन्स होते हैं है ना, रूल ऑफ लॉ से बेहतर है कि आप किसी एक नॉलेज पर्सन का अगर रूल होगा तो स्टेट आपका शायद सबसे ज्यादा बेस्ट चल सकता है। जबकि एथेंस में रूल ऑफ लॉ था, यहाँ इन्होंने देखा था कि जो सोक्रेट्स है उसकी इन्होंने हत्या तक कर दी थी, सोक्रेट्स को इन्होंने कैपिटल पनिशमेंट दे दिया था, बाद में उसकी हत्या करवाई गई स्टेट द्वारा जहर पिला करके। तो ये जो दिक्कत होती थी इसीलिए इन्होंने माना कि जो एजुकेशन है, इसलिए इन्होंने माना कि जो एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एजुकेशन के लिए एक अपनी पर्सनल थ्योरी देते हैं, एजुकेशन के लिए अपनी पर्सनल थ्योरी देते हैं, यानी कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन आती है। और प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन में मानना है कि जो एजुकेशन है वो कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, और एक हॉलिस्टिक वे में एजुकेशन होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। लिख लेते हैं थ्योरी ऑफ एजुकेशन में, अगर मैं प्लेटो की बात करूं तो हर एक बंदे को, यानी कि मेल फीमेल ठीक है, छोटा बड़ा सबको एजुकेशन देने के फेवर में अगर कोई थे तो वो फ्लैट होते हैं। इनकी एजुकेशनल थ्योरी पे बात कर लेते हैं। ये मानते थे जो एजुकेशन है वो कंपलसरी होनी चाहिए, जो एजुकेशन है वो कंपलसरी होनी चाहिए फॉर एवरी चाइल्ड, कंपलसरी फॉर एवरी चाइल्ड, यानी कि ये मानते थे कि चाइल्ड के पेरेंट की कोई ऐसी दिक्कत ना हो कि जो उसका एजुकेशन है वो उसके पेरेंट पे आधारित हो। नहीं, जो एजुकेशन होगी वो स्टेट द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी, प्रोवाइडेड बाय स्टेट। अब जो स्टेट है वो काम है एजुकेशन का प्रोवाइड कराना। अगर स्टेट एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा तो उसमें ध्यान रखेगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले सभी को, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल,
इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, ठीक है, ये ऐसा मानते थे कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। अगर सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो यानी कि हर एक एजुकेशन का जो सिस्टम है वो सेम होना चाहिए, सबके लिए सेम होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड सेम लेवल। तो इन्होंने अपनी एजुकेशन को तीन चार हिस्सों में डिवाइड किया, वो हम हिस्से डिस्कस करने वाले, वो पार्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे पार्ट्स में थोड़ी सी दिक्कत ये होगी कि जो ओपी गावा बुक है उसने अपने अलग तरीके से डिसाइड किया है, जो सुप्रा रंजन मैम है, जो एहसास मैम के नोट्स हैं, उन्होंने जो एक एज डिवाइडेशन है वो अलग तरह से किया, जो एज डिविजन है वो अलग तरह से किया है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन कॉमन जो उसकी थ्योरी है वो कॉमन है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इसे शुरू करते हैं, शुरू से अगर मैं शुरू करूँ थ्योरी ऑफ एजुकेशन को, ये इसके फीचर्स थे, ये इसके फीचर्स थे। थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म एंड प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे कि बच्चे को अपने पेरेंट्स से अलग कर दिया जाता था, तो थ्योरी ऑफ एजुकेशन में इन्होंने सबसे पहली बात ये बोली कि जैसे ही जो चाइल्ड होगा उसकी पढ़ने वाली उम्र होगी उसे अपने पेरेंट्स से अलग कर दिया जाएगा, उसे अपने पेरेंट्स से अलग कर दिया जाएगा और उसकी जो एजुकेशन है वो स्टेट प्रोवाइड कराएगा, उसकी जो एजुकेशन है वो स्टेट प्रोवाइड कराएगा, ऐसा इन्होंने बोला था। किस किस हिस्सों में इन्होंने थ्योरी ऑफ एजुकेशन को बांटा है वो हम देख लेते हैं एक बार। इन्होंने बोला कि बच्चे को 10 साल तक, यानी कि टिल द एज ऑफ 10 इयर्स, टिल द एज ऑफ 10 इयर्स आप बच्चे को फिजिकल डेवलपमेंट कराओगे, आप बच्चे को फिजिकल डेवलपमेंट पे फोकस करोगे, फिजिकल प्लस म्यूजिक दो चीज पे फोकस करोगे। हर एक स्कूल में जिम होनी चाहिए, जिमनाजियम होना चाहिए, हर एक स्कूल में फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए 10 साल तक, यानी 10 इयर्स तक फिजिकल प्लस म्यूजिक, ताकि इसके बाद बच्चे को किसी भी तरह की बीमारी ना हो और स्टेट का खर्चा हेल्थ पे किसी भी तरह से ना हो, क्योंकि अब सारा जो खर्चा है इसका स्टेट उठा रहा है। अगर मान लो बीमार भी होगा, कोई नुकसान भी होगा, तो नुकसान स्टेट को ही होगा, तो इसलिए चाहते थे कि जो एजुकेशन है वो फिजिकल प्लस म्यूजिक हो सबसे पहले, और उसमें किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना हो, वो लाइफ लॉन्ग जो है वो एकदम खुशी रहे, हेल्थी रहे, जिए। फिर दूसरा डिवाइड करते हैं टिल द एज ऑफ 11 से 15 इयर्स तक, 11 से 15 इयर्स तक। यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो बच्चा है आपको उसे दो चीज प्रोवाइड करानी है, एक तो आपने उसे स्पिरिचुअल नॉलेज देनी है, स्पिरिचुअल नॉलेज देनी है, यानी कि जो धार्मिक टाइप की जो नॉलेज है वो देनी है, प्लस जो बाकी सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि साइंस हो गया, ठीक है, मैथ हो गया, ऐसे सब्जेक्ट यानी कि साइंस, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, जो भी ये सब्जेक्ट है उनको आपको नॉलेज देनी है 11 से 15 इयर्स के बीच में। फिर बोलते हैं कि 16 से 20 इयर्स के बीच में, 16 से 20 इयर्स के बीच में आपको मॉरल एजुकेशन देनी है, आपको बच्चे को मॉरल एजुकेशन देनी है। अब यहाँ पे ये बोलते हैं कि हम एक टेस्ट लेंगे, अब हम एक टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट में डिसाइड करेंगे कि जो भी उस टेस्ट से बाहर हो गया, जो भी उस टेस्ट से क्वालिफाई नहीं कर पाया उस टेस्ट को, वो यहाँ पर ट्रेडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो यहाँ पे? ट्रेडर बन जाएगा, यानी कि आपको यहाँ क्या कैसा काम करेगा? ट्रेडर वाला, ठीक है। अब वो यहाँ पे ट्रेडर बन जाएगा, पीजेंट भी बन जाएगा, है ना, किसान भी बन जाएगा, मजदूर भी बन जाएगा, पीजेंट भी वो बन जाएगा। जब इन्होंने 16 से 20 ईयर में मॉडल, यहाँ पे एक टेस्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक टेस्ट हुआ, ट्रेडर पीजेंट बन गया। अब 20 साल से अगर आगे की बात करें तो फिर एक डिवीजन करते हैं दोबारा से, डिवीजन होता है 21 से 30 साल तक का। 21 से 30 साल में एक्स्ट्रा यानी कि एडवांस मॉडल एजुकेशन या बाकी तरह की एजुकेशन देंगे, यानी कि एडवांस्ड एजुकेशन, एडवांस्ड मेंटल फिजिकल एजुकेशन जो है वो ये देंगे, एडवांस्ड एजुकेशन मिलेगी। इस एजुकेशन के बाद फिर टेस्ट होगा एक, इस एजुकेशन के बाद फिर टेस्ट होगा एक, और जो इस टेस्ट से बाहर निकल जाएगा इस बार वो बनेगा सोल्जर, ठीक है, इस बार वो बनेगा सोल्जर। अगर जो 21 से 30 के बाद देखो, 21 से 30 में उसे एडवांस फिजिकल एजुकेशन, मेंटल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, सारी एजुकेशन दी जाएगी। जो इस टेस्ट से 30 साल के बाद फिर टेस्ट होगा, एक टेस्ट 20 साल के बाद, एक टेस्ट 30 साल के बाद,
30 साल के बाद फिर टेस्ट होगा, फिर वो सोल्जर है ऑक्जिलरीज, जिसे बोल देते हैं हम ऑक्जिलरीज, वो बन जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे आ जाते हैं हम, फिर ये बोलते हैं कि 30 साल से 35 साल तक जो इस टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे उनके आगे के लिए, जो टेस्ट में निकल गया वो तो क्रेडल पीजेंट बन गया, इस टेस्ट में निकला सोल्जर है ऑक्जिलरीज बन गया, लेकिन इसके बाद भी जो लोग क्वालिफाई करते जाते हैं उनको हम 30 से 35 साल तक फिलोसफी पढ़ाएंगे, उनको हम फिलोसफी पढ़ाएंगे, ठीक है, यानी कि फिलोसफिकल एजुकेशन देंगे, फिलोसफिकल एजुकेशन देंगे, और एजुकेशन में फिलोसफिकल एजुकेशन देने के बाद उनको 36 साल से 36 ईयर से 50 ईयर्स तक हम बोलेंगे कि जाओ आप बर्ड में जाओ, यानी कि अपनी लाइफ जियो, वहां की जो बर्ड प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करो, जो संसार की समस्या है आप उनको सॉल्व करो, यानी कि अभी क्या करेंगे बर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, बर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब जब 50 साल किसी की उम्र हो जाएगी तो वो बोलेंगे कि अब आके दोबारा से एक टेस्ट दो, अब आके दोबारा से एक टेस्ट दो, यानी कि यहाँ पे फिर एक टेस्ट होगा, और इस टेस्ट में जो फेल हो जाएगा वो सोल्जर ऑक्जिलरी बनेगा, वो सोल्जर या दोबारा से ऑक्जिलरी बनेगा, और इस टेस्ट में जो पास हो जाएगा वो फिलोसफिकल किंग बनेगा, इस टेस्ट में जो पास हो जाएगा वो फिलोसफिकल किंग बनेगा। ये थी इसकी एजुकेशनल थ्योरी, ठीक है। दोबारा से अगर मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं दोबारा से, देखो एज ग्रेडेशन इस आधार पर इनका, एक तो 10 साल तक फिर 10 इयर्स, ठीक है, फिर 11 से 20 साल तक एक टेस्ट, 20 से 30 साल तक टेस्ट, 30 से 35 साल तक, 36 से 50 साल तक टेस्ट, ठीक है, 10 ईयर तक क्या पढ़ाएंगे आपको, 10 इयर्स तक पढ़ाएंगे ये आपको फिजिकल हेल्थ पढ़ाएंगे आपकी, फिजिकल प्लस म्यूजिक, दो चीज पढ़ाएंगे आपको फिजिकल प्लस म्यूजिक। 11 से 20 ईयर में क्या पढ़ाएंगे आपको, स्पिरिचुअल प्लस आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस हिस्ट्री ये सारी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद टेस्ट लेंगे, जो इस टेस्ट में फेल हो जाएगा वो ट्रेडर या पीजेंट बनेगा, वो ट्रेडर या पीजेंट बनेगा जो इस टेस्ट में फेल हो जाएगा, और जो इस टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे उनको स्टेट आगे एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा। 20 से 30 साल में क्या प्रोवाइड कराएंगे आपको, एडवांस्ड एजुकेशन, एडवांस्ड फिजिकल मेंटल हेल्थ ये सारी एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन ये सारी आपको 20 से 30 साल में प्रोवाइड करेंगे। यहाँ दोबारा से टेस्ट लेंगे, इस टेस्ट में जो फेल हो जाएगा वो सोल्जर बनेगा, वो सोल्जर बनेगा, और जो इस टेस्ट में पास हो जाएगा उसे आगे एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे मॉरल एजुकेशन भी प्रोवाइड करेंगे, कहाँ पे, 20 से 30 साल में, ठीक है, मॉरल एजुकेशन, है ना। 30 से 35 साल में दोबारा करेंगे, 30 से 35 साल जब हो जाएगा तो उसे क्या प्रोवाइड करेंगे, फिलोसॉफिकल एजुकेशन, उसे क्या पढ़ाएंगे, ये फिलोसॉफिकल एजुकेशन। फिलोसॉफिकल एजुकेशन से बंदा सीख जाएगा कि जो संसार की प्रॉब्लम है उनको कैसे सॉल्व करना है, तो उससे बोलेंगे कि तुम्हारा केस स्टडी है तुम सॉल्व करके दिखाओ हमें। तो 36 से 50 साल में केस स्टडी, यानी कि उनको बोलेंगे कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे जब वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा फिर ये टेस्ट लेंगे, टेस्ट में जो फेल हो जाएगा वो दोबारा से सोल्जर या ऑक्जिलरीज बनेगा, सोल्जर या ऑक्जिलरीज बनेगा, यानी कि वो सैन्य क्षमता में जाएगा, और जो टेस्ट में पास हो जाएंगे, जो टेस्ट में पास हो जाएंगे वो बनेंगे फिलोसॉफिकल किंग, वो बनेंगे फिलोसॉफिकल किंग। ये है इसकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन का एक चार्ट नुमा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये थी इसकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन, क्रिटिसिज्म करेंगे। अभी आप एक चीज देख लेना, बस यहाँ पे एक चीज देखो कि जो यहाँ पे फिलोसॉफिकल किंग के टेस्ट के लिए पास होंगे वो जल्दी की एक ही बनता हो सकता है 10 लोग पास हो, 20 लोग पास हो, 50 लोग पास हो टेस्ट में, है ना, यानी कि एक से ज्यादा टेस्ट में लोग पास हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इस चीज को भी ध्यान रखना कि टेस्ट में एक से ज्यादा भी लोग पास हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसका क्रिटिसिज्म बनेगा, ये इसका क्रिटिसिज्म बनेगा।
जब ये सारी थ्योरी एजुकेशन की डेवलप हो जाती है उसके बाद पढ़ लेते हैं हम कि इसका क्रिटिसिज्म कैसे आता है। ये थी थ्योरी ऑफ एजुकेशन का एक स्ट्रक्चर। अब करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ एजुकेशनल थ्योरी ऑफ प्लेटो। एक सोक्रेट्स वाली वीडियो शायद देख लेना, सोक्रेट्स वाली भी, प्लेटो का कल थ्योरी ऑफ जस्टिस वाली भी, 20-20 बन जाएगी और कुछ नहीं है। अच्छा लगेगा आपको वीडियो देख के। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ऐसा बोलना पड़ता है क्योंकि आप करते हो नहीं या कम करते हो। क्या बात करनी है हमें? क्रिटिसिज्म। ठीक है, क्रिटिसिज्म दो कमेंटेटर को पढ़ लेते हैं, दो इंपॉर्टेंट कमेंटेटर है। पहला कार्ल पॉपर, पहला कार्ल पॉपर और दूसरा एरिस्टोटल, दूसरा एरिस्टोटल। हालांकि एरिस्टोटल को इसका क्रिटिसिज्म पढ़ने में जब मजा आएगा जब एरिस्टोटल पढ़ेंगे। ठीक है, बस अभी उसकी ये कि कमेंट्री शायद थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, है ना, अभी वो आपको समझ भी नहीं आनी इतनी। तो कार्ल पॉपर तो प्लेटो को बोल देता है कि प्लेटो एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, प्लेटो वॉज एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, प्लेटो वॉज एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। कार्ल पॉपर एक और चीज बोल देता है कि ही इज टोटेलिटेरियन, ही इज टोटेलिटेरियन, ही इज टोटेलिटेरियन। एरिस्टोटल क्या बोलता है फिलोसॉफिकल किंग के लिए? एरिस्टोटल बोलता है कि पावर एंड वर्च्यू, एरिस्टोटल बोलता है कि पावर एंड वर्च्यू कैन नॉट को एग्जिस्ट, कैन नॉट को एग्जिस्ट। बता देता हूं मैं क्यों, एरिस्टोटल को बता देता हूं। पहले पावर एंड वर्च्यू कैन नॉट को एग्जिस्ट। देखो जब फिलोसॉफिकल किंग, मैंने बोला था कि 10 लोग अगर सेलेक्ट होंगे उस टेस्ट में कि 10 फिलोसॉफिकल किंग होने वाले हैं, तो समस्या आएगी कि असलियत में फिलोसॉफिकल किंग किसे बनाया जाए। बनना तो एक ही है, कोई एक स्टेट के लिए एक फिलोसॉफिकल किंग होना चाहिए। टेस्ट पास किया 10 लोगों ने, अब किस वाले को फिलोसॉफिकल किंग बनाया जाए। तो यहाँ पे प्लेटो बोलते हैं कि हमने जो इनको इतनी एजुकेशन प्रोवाइड कराई है, फिलोसॉफिकल एजुकेशन प्रोवाइड कराई है, यहाँ पर ये किसी भी पोस्ट या अथॉरिटी के लिए इनमें कोई भी ग्रीड नहीं है। इनमें केवल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करना है, चाहे वो पोस्ट पर रह करके सॉल्व करना, चाहे बिना पोस्ट के रह करके सॉल्व करें, इनको खाली वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेनी है। और ये भी बोलते हैं कि हमारे रूलर इसलिए बेस्ट होंगे क्योंकि बेस्ट रूलर आर नेवर कोवेटियस आफ्टर द पावर, यानी कि उनमें पावर की कोई भी महत्वाकांक्षा नहीं होती है जो बेस्ट रूलर होते हैं। लेकिन एरिस्टोटल बोलते हैं कि ठीक है, जब तक उसे आपने कोई पोस्ट यानी कि जब तक स्टेट का आपने रूलर नहीं बनाया फिलोसॉफिकल किंग को, हो सकता है कि उसके टेस्ट तक वो एकदम अच्छा हो, कोई दिक्कत ना हो, उसमें नॉलेज ही नॉलेज हो। लेकिन हमने पढ़ा था कि इंसान में तीन टाइप के जो ट्रेड्स हैं, वो होते हैं, एक तो डिजायर होती है, एक इमोशनल होता है और एक नॉलेज होती है। अब यहाँ पे एरिस्टोटल बनते हैं कि जब वो स्टेट बना हो सकता है उसमें नॉलेज हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसमें ना डिजायर होगी ना इमोशनल होगा, इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है। हालांकि इमोशन को ही खत्म करने के लिए और डिजायर को खत्म करने के लिए प्लेटो ने थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म शुरू की थी, लेकिन एरिस्टोटल बोलते हैं कि ऐसा केवल आइडियल है क्योंकि ये थ्योरी कभी भी एप्लीकेबल हो नहीं पाई रियलिटी में, तो रियलिटी है ही नहीं। इसीलिए प्लेटो को आइडियलिस्ट बोला जाता है, जबकि जो एरिस्टोटल है उनको रियलिज्म का कंसेप्ट का एक कंपाउंडर माना जाता है। तो एरिस्टोटल बोलते हैं कि अगर आपको नॉलेज है, ठीक है, अगर फिलोसोफर किंग को नॉलेज है और अगर आज आपने उसे स्टेट ऑफ रूलर बना दिया, ठीक है, कल को क्या गारंटी है कि उसमें डिजायर डेवलप ना हो जाए, कल को क्या गारंटी है उसमें इमोशंस डेवलप ना हो, और क्या गारंटी है कि वो आपके स्टेट में करप्शन ना करे? क्योंकि एरिस्टोटल का मानना था कि पावर एंड वर्च्यू कैन नॉट को एग्जिस्ट टूगेदर, यानी कि सत्ता और गुण अच्छे वाले एक साथ कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, ये एक एरिस्टोटल का मानना था। कार्ल पॉपर ने ऐसा मैंने लिखा कि प्लेटो वाज एन एनमी ऑफ ओपन सोसाइटी, इन्होंने बोला कि क्या गारंटी है कि जिसके पास आज नॉलेज कम है, मान लो कि आज मेरे पास नॉलेज कम है, तो टाइम के साथ क्या मेरी नॉलेज बढ़ नहीं सकती? जो आपने 20 साल वाले टेस्ट पे निकाला था, हो सकता है उसमें आज बहुत ज्यादा नॉलेज आ जाए, है ना, पढ़ ले वो,
या अपनी नॉलेज डेवलप कर ले, तो आपने तो उसकी अपॉर्चुनिटी वहीं पे खत्म कर दी ना, इसके बाद वो कुछ बोल पाएगा ना कुछ कर पाएगा। और एक और फिलोसॉफिकल किंग को प्लेटो ने इतनी पावर दी हुई है कि एक केवल स्टेट को खत्म करने के अलावा, स्टेट को एंड करने के अलावा बाकी सारे काम कोई कर सकता है तो फिलोसॉफिकल किंग कर सकता है। तो इसलिए बोलते हैं कि ना तो आप एक फिलोसॉफिकल किंग के खिलाफ कोई बोल सकता है ना कोई कुछ कर सकता। बाद में डिस्कस करेंगे हम कि इन्होंने एक नोबल लाई का कंसेप्ट दिया था, नोबल लाइज लिख देता हूं मैं यहाँ पे, नोबल लाइज वाला इन्होंने कंसेप्ट दिया है, ठीक है, जिसे सेंसरशिप ऑफ स्टेट भी माना जाता है। वो अपने बचाव में कहते हैं प्लेटो, वो आगे की चीजें रहेगी, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म के बाद उसे डिस्कस करेंगे। हालांकि जो मैं बोलता हूँ कि ये बोलते हैं कि बाद में ये डेवलप नहीं हो सकते, यानी कि बाद में उसकी सारी चीजें खत्म, आपने 20 साल में खत्म कर दिया तो वो डेवलप कर ही नहीं पाएगा। तो ओपन सोसाइटी का एक क्रिटिसिज्म इस आधार पर भी होता है, बाकी अगला क्रिटिसिज्म जो है वो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म एंड प्रॉपर्टी में भी होता है, तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए हो जाएगा। ये थी थ्योरी ऑफ एजुकेशन, ये था उसका क्रिटिसिज्म। मुझे नहीं लगता कि थ्योरी ऑफ एजुकेशन में कुछ बचा होगा, यानी कि थ्योरी ऑफ एजुकेशन शायद हमने अच्छे से कर ली है, और मुझे लगता है कि आपको समझ भी आई होगी थ्योरी ऑफ एजुकेशन ऑफ प्लेटो, है ना। प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन में इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। इसके बाद हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, प्रॉपर्टी एंड बाइस वाले जो कंसेप्ट है उसे करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है वीडियो को। बाकी जो भी आपके सजेशंस हों वो आप अपने सजेशंस देते रहिएगा, निश्चित रूप से सारी कमेंट्स पढ़ी जाएंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।